2024 चुनाव से पहले क्या यूपी में नई तस्वीर उभरने जा रही है? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी अब तक केवल कयास लगाए जा रहे हैं? जी हां, केदारनाथ में वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद कुछ ऐसी ही खबरें सियासत में उबाल मारने लगी हैं कि क्या वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ आ सकते हैं? क्या बीजेपी की नींव से जुड़े वरुण अपनी जड़ें बीजेपी की जमीन से उखाड़ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो यूपी की सियासत में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये बताते हैं आपको। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या साथ होंगे राहुल वरुण? 2024 में बदल सकती है तस्वीर। वरुण गांधी पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं और ये बात उन्होंने छिपाई भी नहीं है। वे सरकार की नीतियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के मामलों को लेकर तमाम सारे कमेंट्स करते रहते हैं। ये तस्वीर कुछ खास है, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर 2024 में यूपी में कांग्रेस का चेहरा हो सकती है? क्या ये तस्वीर लोकसभा की तकदीर बदल सकती है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस मुलाकात की थोड़ी सी पटकथा बता देते हैं। राहुल और वरुण गांधी की मुलाकात की ये तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की है, जहां राहुल गांधी और वरुण गांधी दर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि राहुल गांधी केदारनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से मौजूद हैं, लेकिन अचानक यहां वरुण गांधी के पहुंच जाने के बाद सियासी बाजार में अटकलों की लहरें हिचकोले मारने लगी हैं। सियासतदान इस मुलाकात को अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। कोई इसे भविष्य की जोड़ी बता रहा है तो कोई इसे सामान्य मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात के असल मायने क्या हैं ये कोई भी नहीं जानता। राहुल गांधी से अचानक मुलाकात हुई हो या वो पहले से प्लान्ड थी, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मुलाकात के बाद 2-3 तरह के मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि शायद दोनों का प्रोग्राम एक कोइंसिडेंट के तौर पर वहाँ जाने का बना हो और दोनों को जानकारी भी रही हो कि इस समय ये दोनों वहाँ मिल सकते हैं, इसके बावजूद वो दोनों गए और मिले। कुछ समय पहले तक राहुल और वरुण गांधी के साथ आने की गुंजाइश कम थी, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह वरुण गांधी और मेनका गांधी को बीजेपी में साइडलाइन कर दिया गया है, इससे इस बात को बल मिलने लगा है कि दोनों भाइयों की राह आने वाले वक्त में एक हो सकती है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के दौरे जब उन्होंने किए तो वहाँ पर भी लोकल लोगों से मिलके उन्होंने अपने बड़े बेबाक विचार रखे, तो ये कयास तो लग रहे थे कि वो कहीं ना कहीं अपने को बहुत ज़्यादा महत्व ना मिलने से, कोई पद ना मिलने से नाराज़ हैं। हालांकि ऐसा होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि वरुण गांधी और उनकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन कहते हैं कि सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कौन सा दोस्त दुश्मन बन जाए और कौन सा दुश्मन दोस्त बन जाए ये तय नहीं है। सियासत की चक्रगिन्नी है ही ऐसी, लिहाजा ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी में साइडलाइन हो चुके वरुण गांधी अपने भाई के साथ आने वाले चुनाव में खड़े नजर आते हैं या फिर बीजेपी में ही अपनी जमीन तलाशते रह जाएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।